हमें एक ऑर्डर का देना है, इसलिए इसको उठा कर चिकन दम बिरयानी यहीं पे जो है आपकी बिरयानी निकल रही है जी। ये बिरयानी हम किचन से बना कर लाते हैं, यहाँ नहीं बनाते शॉप पे। आपका क्लाउड किचन है? हाँ, क्लाउड किचन है हमारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो फूड का होने वाला है दोस्तों। स्पेशली हम आए हैं गुड़गांव 56 में, यहाँ आप देख सकते हैं। कैमरा मैन जरा कैमरा ऊपर करके दिखा दें। तो आज का शूट यहाँ का करेंगे और आपको रिव्यू देंगे कैसा है यहाँ का जायका। तो चलते हैं शॉप की ओर। नवीन जी नाम है सर, स्टार्ट कब की थी शॉप ये वगैरह? ये शॉप अभी 1.5 महीने पहले स्टार्ट की है जी। वैसे हमारा बेस किचन सेक्टर 52 में है, मीरांस नाम से। ठीक है। जहाँ से हम स्विगी जोमेटो और डिलीवरी का काम करते हैं। क्या क्या आइटम जो है आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं? हम यहाँ पे चिकन में कबाब्स वगैरह हैं, टंगड़ी कबाब है, रॉयल तंदूरी मुर्ग है एक हमारा, रॉयल तंदूरी चिकन जी। उसके अलावा सीख कबाब सारे मिल जाएंगे, फिश टिक्का, पॉम्फ्रेट फिश, मटन सीख, ग्रेवीज में बटर चिकन, मटन निहारी जो कि हमारी बेस्ट सेलर है, बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये सब बेस्ट सेलर हैं। सारा जो हम टेस्ट दे रहे हैं ऑथेंटिक मुगलई का दे रहे हैं। हमारी सारी प्रिपरेशन प्योर देसी घी में, हम ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं खाने में, और मटन भी एकदम फ्रेश और प्योर होता है, सब चीज़ें फ्रेश और प्योरिटी के साथ। और पुरानी दिल्ली का, दिल्ली 6 का जो टेस्ट है उससे बढ़िया जायका हम यहाँ दे रहे हैं। मेरे जो शेफ्स हैं, हर शेफ अपने फन का महारत रखता है। जो तंदूर का है वो तंदूर का खास शेफ़ है, बिरयानी बनाने वाला अलग है तो बिरयानी में खास है। इसी तरह से हमने शेफ अपने सारे अलग अलग फील्ड के माहिर शेफ्स रखे हैं। तो क्या स्पेशल आइटम जो है आप सजेस्ट करेंगे हम लोगों को खाने के लिए? आप हमारा रॉयल तंदूरी चिकन खा के देखिए, नहीं दिल्ली का ये फेमस आइटम है, पर उससे बेहतरीन टेस्ट हम देंगे, आप खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। रॉयल तंदूरी खिलाओ भाई। ये यहाँ से चिकन जा रहा है तंदूर से और काउंटर पे आ गया कटिंग के लिए। अब इसकी प्रॉपर कटिंग की गई है जी। उसके बाद जो है इसको हम बिल्कुल इस तरीके से सीख में डालेंगे, यानी एक हाफ रॉयल तंदूरी में आधा मुर्गा देते हैं। अच्छा जी। एक मुर्गे का 4 पीस होता है, जिसमें से आधा आधा मुर्गा हम प्रॉपर देते हैं, इसको अच्छी तरीके से हम कुक कर लेंगे। यहाँ पे रोस्टिंग के लिए लग गया। ठीक है, ये बेहतरीन तरीके से कटिंग हो रही है। और ये वैसे कच्चा है, इसको फ्राइड किया गया, रोस्ट किया गया ना बस? ठीक है, हाफ मसाला लगा के, हाफ मसाला लगा के इसको रोस्ट किया गया। ठीक है, इसको आप बढ़िया से सीख में डाल के जो है तंदूर में रोस्ट कर देंगे जी। यहाँ लगाइए कलर में, कलर हमारा सेम दिखता है लेकिन मसाला अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग आइटम अलग अलग जी। ठीक है, ये अब इस वक्त यहाँ पर कुक हो रहा है, ये अच्छी तरीके से हम यहाँ कुक कर लेंगे, रोस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ के सारे आइटम जो है घी में ही बनते हैं जी, घी में बिल्कुल ऑयल का। तो गाइस अब हमारा बन रहा है मलाई टिक्का, और ये भी चिकन का मतलब बेस्ट प्रिपरेशन है। चिकन जो है तंदूर पे आ चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। भाई क्या क्या प्रिपरेशन रहेगी इसकी? ये मलाई टिक्का क्रीम में बनता है ये। ठीक है। हाँ, इसका मसाला जो है फ्रूट का होता है, फ्रूट के मसाले में, ये मलाई के मसाले में। हाँ, फ्रूट के मसाले में, इसमें लाइट मिर्च होता है बहुत, ना के बराबर। अच्छा। हाँ, बच्चा बूढ़ा जितने भी हैं सब खा सकते हैं इसको। अच्छा। और ये टेस्टी भी होता है मलाई टिक्के, बहुत अच्छा खासा टेस्ट होता है। तो देखिए गाइस ये तंदूर पे हमारा सीख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, और इसको रोटेट कर दिया गया बढ़िया तरीके से। इसको पकाने के बाद अब जो है इसको काउंटर पर लाया जाएगा। अब इसकी रोस्टिंग में इसको टाइम लगेगा,
एटलीस्ट 10 मिनट लगेगा ना अभी? जी 10 मिनट। इसको 10 मिनट तक यहाँ से तंदूर पे जो है हाफ बंद करेंगे, रोस्ट करेंगे। एक बार बनाने के बाद दोबारा फिर बनाया जाता है, एक ही बारी में तैयार नहीं होता क्योंकि कच्चा चिकन है ना। अच्छा। हाँ, पहले हाफ किया जाता है फिर फुल किया जाता है। तो अभी हम हाफ करेंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर करेंगे इसे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम दोबारा लगाएंगे इसे। ये मलाई टिक्का हमारा अच्छी तरीके से मतलब हो गया ये। ठीक है। हाँ, रोस्ट हो गया है। काउंटर पे हाँ, इसको काउंटर पे ले जाएगा। ठीक है, इसको उतारा गया है अंदर। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा चाट मसाला और क्रीम। ना ठंडा हो गया, ये क्रीम है सर। क्रीम। ये आइटम क्या बन रहा है हमारा? ये मलाई टिक्का है। मलाई टिक्का जी। इसको भी एकदम बढ़िया से लगा हुआ है भाई, मेल्ट हो गया ये। उसके बाद इसमें भी हम बटर डालेंगे। बटर का पूरा इस्तेमाल किया जाता है? पूरा पूरा, हर चीज में बटर होगा हमारा। ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल? ऑयल का इस्तेमाल है। हाँ नहीं, रोस्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं सब में बटर इस्तेमाल होता है। जो ग्रेवी की आइटम है उसमें हमारा इस्तेमाल होता है देसी घी। अब इसको प्लेट में सर्व कर दिया जी। प्लेट में डाल देते हैं तरीके से हम। ये प्लेट में आ गया है। ये प्लेट में डालेंगे ताकि हाथ से बनाने में जायका कुछ ज्यादा होता है इसमें। अब हम इसे निकालने वाले हैं। ये हाफ डन हो चुका है। टोटल कितनी वैरायटीज के आपके आइटम यहाँ पे रहते हैं? मेरे पास कम से कम सारे नॉन वेज है? नहीं, उसमें कुछ वेज भी हैं। अच्छा। जैसे सोया चाप हो गया, पनीर टिक्का वगैरह हो गया, उसके बाद मशरूम टिक्का हो गया, रोल्स हैं कई तरीके के, फिश हो गई, 4-5 तरीके का फिश है। एक बार सर से एड्रेस पूछ लें। सर एक बार इसका एग्जैक्ट एड्रेस बता दो शॉप नंबर के साथ। ये G23 मेट्रो वर्ल्ड मॉल सेक्टर 56 गुड़गांव। टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी शॉप की? ये दोपहर में 1 बजे ओपन हो जाती है, रात को 12 बजे तक ओपन रहती है। सातों दिन ओपन रहती है। थैंक यू। तो दोस्तों महफिल सज गई है और प्लेट लग गई है, देख सकते हैं आप लोग, और एक एक करके सारा रिव्यू देंगे आपको कैसा यहाँ का टेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं रॉयल चिकन से। आप देख सकते हैं बटर का, बटर देख सकते हैं, बटर ही बटर से पूरा नहला रखा है इसको रॉयल चिकन को। और ये धनिए का जो यहाँ तक जो जुआ आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता जेन्युइनली, तो वो तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और बाकी देख सकते हैं पूरा बटर 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 से मतलब ये लगा लो उसको नहला दिया पूरा। ये देखो बटर देख रहे हो, और साथ में देखिए सैलेड दिया है और टमाटर दिए हैं और धनिया डाल रखा है। और ये चटनी है पुदीने की चटनी, देख सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी है। और ये लगाया हमने, और ये लोग देखो अब मुँह में पानी आ रहा है आप लोगों के, तो आप लोग भी आओ, मैं तो खाता हूँ। मजा आ गया। पहले खानों पर बताता हूँ। चिकन ऐसा है कि मुंह में घुल गया पूरा, और जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल इतना सॉफ्ट था कि ऐसे मुंह में गिला पता भी नहीं लगा, और मेरे पेट के अंदर है। दूसरे की तरफ चलते हैं, कैमरामैन जरा यहाँ आओ, चिकन टंगड़ी कबाब दिखाओ इनको, देख सकते हो आप। ये देखो कितना सॉफ्ट है, देख सकते हो आ रहा है मुंह में पानी। तो पानी आ रहा है तो मंगवा लो, फिर ऑर्डर कर लो फटाफट, मैं तो करता हूँ ट्राई। ये उठाया मैंने सैलेड, ये उठाया मैंने टमाटर, और ये मैंने उठाई धनिया पुदीने की चटनी। थोड़ा सा नींबू अगर निचोड़ लेता तो और मज़ा आएगा। ये निचोड़ा नींबू, ये देखो ठंड के मौसम में अगर चिकन मिल जाए तो उसकी बात ही क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप लोग भी अगर गुड़गांव में आओ तो सेक्टर 56 में ज़रूर आएँ मीरांस के पास। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन।